मांडवा थाना क्षेत्र में आज शाम करीब 7 बजे कुकावास क्षेत्र में एक अपराधी के होने की सूचना मिली थी। ये अपराधी लूट डकैती इस तरह के प्रकरणों में कई जगह वांछित होने के साथ साथ मांडवा में भी पिछले 1 महीने पहले हुई वारदात में वांछित था। इस सूचना पर थानाधिकारी में पुलिस बल के दबिश देने पहुँचे। दबिश के दौरान जो ही थानाधिकारी और जाप्ता इसके घर के नज़दीक पहुँचता है तो इन अपराधियों के द्वारा घात लगाकर चारों तरफ से इन पर हमला कर दिया जाता है। हमला में पथराव करते हैं, पथराव करने पर जो भगदड़ होती है उसमें पुलिस पर लाठियों से चाकू से हमला करते हैं। अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाती है, उसमें पुलिसकर्मी उस अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। उस दौरान कईयों के अपराधियों के द्वारा लाठियों से पत्थरों से चाकू से वार किया जाता है, उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए हैं। 7 का ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। 7 आउट ऑफ डेंजर हैं। जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है जिला कलेक्टर उदयपुर और हॉस्पिटल अधीक्षक के नेतृत्व में सारी डॉक्टर्स की टीम बेस्ट इलाज के लिए यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनकी टीम इलाके में कोर्डोन करके उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है। सर, फायरिंग की भी सूचना है क्या? हाँ, अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में पुलिसकर्मी के अभी तक कोई गोली लगने जैसा अलामत नहीं मिले। घटना में के पश्चात क्योंकि पुलिसकर्मी घायल हो गए, उस दौरान आरोपियों द्वारा एक SLR और एक पिस्टल छीनने की जानकारी प्राइमा फेसाई मिली है। अभी तक SLR और पिस्टल मिसिंग है। इसमें एक अपराधी जो पूर्व में भी अपराध करता रहा है, मांडवा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर रहा है, रणिया का बेटा है खाजरू वांछित चल रहा था और उसी के लिए पुलिस गई थी और उस दौरान रणिया के परिवार और उनके